ये जो हुआ ये सही है या गलत? अरे दशरथ भाई, हम पागल हैं पागल? ये सही गलत का पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, है? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहां क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड आ चुका है, 26 मेंबर स्क्वाड आ चुका है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 21 मार्च को आप लोगों ने जिन्ना स्टेडियम आना है, क्योंकि वहाँ पे मैच होने वाला है पाकिस्तान का और जॉर्डन का। जॉर्डन जो है वो हमारे साथ एशियन कप के जो फाइनलिस्ट हैं वो खेलेंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के अंदर। ये राउंड 2 है और ये उसका तीसरा मैच होने वाला है। 6 मैच होते हैं ग्रुप स्टेज के अंदर और 6 में से ये तीसरा मैच है जो कि हमने जिन्ना स्टेडियम में खेलना है। फिर हमने 26 तारीख को जाके अवे खेलना है, 26 तारीख को, 26 मार्च। 11 मार्च से ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाएगा और जो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं वो भी आएंगे, तो हमें रेडी रहना है उस चीज़ के लिए। हम आज बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड के ऊपर और पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पहले पाकिस्तान के ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी मेरी उसमें मैं नेपाल के ऊपर भी बात करूंगा और बांग्लादेश पे भी हम बात करेंगे, उसको भी टच करेंगे, उनके स्क्वाड के बारे में और प्लेइंग 11 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान ने जो 26 मेंबर स्क्वाड सेलेक्ट किया है इसमें सारे लोकल प्लेयर्स हैं, लेकिन जो 26 लोकल प्लेयर्स हैं उसमें से 8 या 9 जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि डायस्पोरा प्लेयर्स ने आना है और डायस्पोरा प्लेयर्स ने आके खेलना है तो वो स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। ये फाइनल स्क्वाड नहीं है, लेट मी रिपीट, ये फाइनल स्क्वाड नहीं है। पहले गोलकीपर्स पे आ जाते हैं। सलमान उल हक जो हैं वो आ चुके हैं, ऐसे गार्डन्स के लिए वो खेलता रहा है पहले भी, एंड ऐसे गार्डन्स के जो फुटबॉल क्लब था वहाँ से ही वो पिछली बार भी सिलेक्ट हुए थे और इस बार भी वो इधर से ही सिलेक्ट हुए हैं, सो ही हैज़ एक्चुअली बीन रिटेन्ड इन द स्क्वाड। और जो दूसरा जो तीन हमारे गोलकीपर्स हैं उसमें सबसे पहला नाम जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग और सरप्राइजिंग है वो ये है कि साकिब हनीफ जो हैं वो वापस आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर, और वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनकी जो टीम है मालदीव्स के अंदर सेकेंड डिवीज़न से प्रीमियर लीग में पहुँच चुकी है, फर्स्ट टायर के अंदर पहुँच चुकी है, जो लेवल होता है पैरामिड के ऊपर वहाँ पे आ गई है, तो इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया है क्योंकि अब वो मालदीव्स की प्रीमियर लीग में खेलेंगे। तो यहाँ पे साकिब हनीफ इज़ बैक इन द टीम। क्या उनको होना चाहिए, क्या उनको नहीं होना चाहिए, ये आप लोग जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हसन अली जो है वो वापडा के लिए पहले खेलते रहे हैं, तो हसन अली जो है उनको इंडक्ट किया गया स्क्वाड के अंदर। फिर इसके साथ अब्दुल बासित जो हैं वो भी वापडा में खेलते रहे हैं तो उनको वापस लेकर आया गया है। पहले ये था कि काफ़ी यंग प्लेयर्स जो थे सलमान काका की तरह के यंग गोलकीपर्स जो थे उनको ट्राई किया था, उस्मान को ट्राई किया था। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि जो पोपो एफसी के उस्मान है वो नहीं है इसके अंदर, उनको होना चाहिए था क्योंकि पैलेस्टाइन के अगेंस्ट मुझे याद है पाकिस्तान ने जो अंडर 23 मैच जो खेला था AFC अंडर 23 क्वालिफायर्स का, उसमें उस बंदे की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बिटवीन द स्टिक्स, सो ही वॉज ब्रिलियंट। उनको कंसिडर नहीं किया गया, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग बात है। डिफेंडर्स में ये जो लोग हैं इसमें मोस्टली जो डिफेंडर्स हैं मैं समझता हूँ कि यही आपके मोस्ट ऑफ देम आर 90% मैं कहूँगा ये आपके बेस्ट डिफेंडर्स हैं, एक दो नामों को निकाल के। मैमून मूसा खान है इसके अंदर, ही इज़ इन द स्क्वाड पोपो एफसी के हैं। पोपो एफसी के 6 प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड के अंदर है बाय द वे, जो 26 मैन का स्क्वाड है। मोहम्मद सुहेल जो हैं वो अब टीम में वापस आ गए हैं। मोहम्मद सुहेल को हमें याद है उन्होंने जो पहले दो मैचेस खेले थे, आई थिंक एक जापान के अगेंस्ट मैच था और बहरीन के अगेंस्ट मैच था, 12 नंबर शर्ट में अंडर 23 के लिए जो पाकिस्तान की टीम थी उसके लिए उन्होंने AFC में खेला था, AFC के ये जो क्वालिफायर्स हुए थे तो उसमें ही वॉज प्लेइंग। जुनेद शाह जो हैं वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ऐसे गार्डन्स को ज्वाइन कर लिया है। जुनेद शाह का अब हमें पता है कि जो प्रॉपर क्लब है वो कौन सा है, तो ऐसे गार्डन्स के लिए वो ज्वाइन कर चुके हैं, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया जो कि लाहौर का क्लब है, सो गुड लक टू हिम ऑन दैट इज़ वेल। राव उमर हयात वन ऑफ आवर बेस्ट फुल बैक्स, जुनेद शाह भी वन ऑफ आवर बेस्ट लोकल फुल बैक्स हैं, तो ये दो लड़के जो हैं ये वापस आ चुके हैं। राव उमर हयात हमें पता है पहले बाबडा के लिए खेलते रहे हैं। हसीब खान इज़ इन द टीम, बहुत से लोगों के को इसके ऊपर एतराज़ात हैं, बहुत से लोग जो हैं वो इसके फेवर में हैं। ये एक ऐसी डिबेट है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि यार कुर्बान अली को हसीब खान की जगह होना चाहिए था, तो ये चीज़ है। लेकिन ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की पिक्स हैं
तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियोस के ऊपर इन लोगों को देखा है, इनको ट्रेनिंग्स करते हुए देखा है, और उसके जो अपने कुछ बंदे थे जो कि पाकिस्तानी लोकल बंदे थे, वो जो थे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को रिपोर्ट कर रहे थे। सो ऑन दैट बेसिस ये डिसीजन लिया गया है। तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। सद्दाम जूनियर के लिए मैं बड़ा खुश हूँ। पोपो एफसी के प्लेयर हैं और पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन थे जब पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो थी वो इंडिया के अगेंस्ट खेली थी फाइनल के अंदर, फाइनल में पहुंची थी वो टीम, उसके ये कैप्टन थे। तो वेरी हैप्पी फॉर दिस गाय एज़ वेल। इस बंदे ने अपना डेब्यू भी किया था, लड़के ने, जो हमारा मैच था ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, लास्ट 14-15 मिनट्स में ये आया था, मुझे अच्छी तरह याद है। सो वेरी हैप्पी फॉर हिम एज़ वेल। यंगस्टर है, बिल्कुल अभी नया प्लेयर है, यंग प्लेयर है, टीनेजर है। सो हैप्पी फॉर हिम। मोहम्मद हमजा मुनीर जो है वो ऐसे गार्डन्स के क्लब के लिए खेलते हैं, सेम क्लब है सलमान उल हक वाला, सलमान काका जो गोलकीपर है उनके वाला। तो आई एम हैप्पी फॉर हिम एज़ वेल, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये सिलेक्ट हुए थे और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने इनको सिलेक्ट किया था। पहली बार लास्ट टाइम टीम में आए थे ताजिकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया वाले मैचेस थे उसके अंदर। सो ये एक अच्छी इंक्लूजन हो सकती है। ही इज़ अ राइट बैक, राइट बैक पोजीशन में ये खेलते हैं। कामिल खान जो है अगेन पोपो एफसी के प्लेयर हैं और ये अंडर 19 टीम का हिस्सा थे जो कि सैफ चैम्पियनशिप में फाइनल के अंदर आई थी। मोहम्मद अदील जो हैं वो भी सैफ चैम्पियनशिप जो अंडर 19 का था उसके जो फाइनल में जो टीम आई थी उसके अंदर वो एज ए सेंटर बैक खेल रहे थे, बैक थ्री में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। केपीके से इनका ताल्लुक है, टंक से इनका ताल्लुक है। सो वहाँ पे एक बड़ा फेमस क्लब भी है, आतिश टंक एफसी। ही डज़ नॉट प्ले फॉर दैट क्लब लेकिन ही इज़ फ्राम दैट एरिया, तो ये उस एरिया से हैं। मिडफील्डर्स में हमारे पास है आलमगीर गाजी जो कि पहले एक ज़माने में पोपो एफसी के लिए खेला करते थे। अभी जो है वो रजब अली हज़ारा जो है वो भी टीम में आ चुके हैं, वो केआरएल एफसी के लिए हमें याद है कि वो खेला करते थे। अली उज़ैर गुज्जर, ही इज़ आल्सो इन द टीम, वापडा के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं कि वापडा के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वापडा के डिपार्टमेंट के लिए खेलते थे। एंड मोइन अहमद जो है वो जूनियर, ही इज़ बैक इन द टीम। पहले कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को इनका प्रोफेशनलिज्म उस तरह से पसंद नहीं आया था, लेकिन जो सऊदी अरेबिया वाला मैच था उसके बाद ही वॉज़ बैक इन द टीम, मुझे याद है स्क्वाड में आ गए थे और अब भी ही इज़ बैक इन द स्क्वाड। कुछ लोग इनको नेमार जूनियर से तशबीह देते हैं। मधु मोहम्मदन के लिए ये खेल चुके हैं कराची के अंदर, कराची का ये लोंडा है मधु मोहम्मदन के लिए ये जुलाई में आई थिंक खेल रहे थे जो टूर्नामेंट हो रहा था, और केआरएल एफसी के लिए भी ये खेल चुके हैं, इन्होंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है। सो दिस गाय इज़ वन ऑफ द टैलेंट्स टू वॉच आउट फॉर, लोकल में अगर देखा जाए तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मोइन जो है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत ड्रिबलर है, लेकिन क्या वो जॉर्डन के ख़िलाफ़ कुछ कर पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, बट वन ऑफ आवर बेटर लोकल प्लेयर्स डेफिनेटली। जैद उमर पहले सिविल एविएशन के लिए भी खेल चुके हैं एंड आई थिंक शायद KRL के लिए भी खेले हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, जो कि मिडफील्डर्स में इनका नाम है, ऑल दो मैंने इनको कभी खेलते हुए नहीं देखा है। जाहिद शाह यहाँ पर हैं, मेरे पास इनके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की थी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते रहे हैं या इस तरह का कोई सीन है। तो जाहिद शाह जो है वो वहाँ पर पहले पढ़ते थे, तो ही इज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड इन द स्क्वाड। अली ज़फ़र ने नेपाल के अगेंस्ट अंडर 19 में, हम सबको याद है, एक ब्लॉकबस्टर गोल मारा था, और वो जो ब्लॉकबस्टर लॉन्ग रेंजर गोल था उसकी वजह से पाकिस्तान अंडर 19 टीम नेपाल अंडर 19 टीम को हराने में कामयाब हो गई थी। सो वो 1-0 से हम वो मैच जीते थे। सो दैट यंग बॉय इज़ इन द स्क्वाड एज़ वेल। ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और बलोच जो एक फ़ुटबॉल क्लब है उसके लिए ये खेलते हैं, वहाँ से हज़ारा का एक क्लब है, वहाँ से ये खेलते हैं। फॉरवर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों, शायक दोस्त ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, अबू मुस्लिम एफसी की जो टीम है उसके लिए, एंड फरीदुल्ला मुस्लिम चमन एफसी, वी ऑल नो दिस कि एक बहुत ही अच्छे फॉल्स नाइन के स्ट्राइकर हैं, होल्ड अप प्लेन का बहुत अच्छा है। सो फरीदुल्ला इज़ अगेन, मतलब इसमें कोई शक नहीं था कि इनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, इनको सेलेक्ट करना था उन्होंने, बिकॉज इस मोल्ड का जो प्लेयर है वो हमारे पास नहीं है इस रोल के लिए, जो हमें रोल चाहिए फॉर टू होल्ड थिंग्स, टू यू नो एक फॉल्स नाइन के तरीके से आप बॉल को अपने पास कंट्रोल करके रखो और बॉल को फिर स्प्रेड करो फॉर योर टीममेट्स, विंगर्स हो गए, मिडफील्डर्स हो गए, स्ट्राइकर्स हो गए, फॉर दैट ही इज़ ब्रिलियंट। और अगला जो नाम है वो हम सब जानते हैं, पोपो एफसी वलीद खान, अभी पोपो एफसी के और बहुत से नाम आएंगे। वलीद खान जो है एक लेफ़्ट विंगर है, अगर ओटिस खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वलीद ने उस पोजीशन में खेलना है, लेफ़्ट विंग पोजीशन में, तो ही इज़ देयर। मोहम्मद वहीद जो हैं वो दोबारा से सिलेक्ट हुए हैं, इनकी सिलेक्शन पे ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एतराज़ हैं, हर जगह एतराज़ हैं,
एतराज़ हमें भी है, लेकिन बात यह है कि आपके पास जो बेस्ट लोकल प्लेयर्स हैं वो यही हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। तो ये एक मसला है, बारिंग वन और टू नेम जिसमें कुर्बान अली आते हैं और जिसमें मिराज खान आते हैं, बट दोज गाइज आर नॉट फॉरवर्ड्स, दोज गाइज आर सेंटर बैक्स। सो वहीद की जो रिप्लेसमेंट है या जो पोजीशन है उसमें आपको डायस्पोरा प्लेयर लाना पड़ेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखा रही है मिकैल अब्दुल्ला के ऊपर, और वो उसका पीछा उस तरह से नहीं कर रही, उसके पीछे उस तरह नहीं पड़ी हुई जिस तरह वो एतजाज़ के पीछे पड़ी हुई है और आदिल नबी के पीछे पड़ी हुई है। तो ये एक बड़े मसले हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। दूसरी तरफ अदील यूनस इंडिया के अगेंस्ट इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, मुझे याद है उसकी वो परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान अंडर 19 का जो फाइनल हुआ था उसके अंदर, ही वॉज पाकिस्तान डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स, या मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की तरफ से एक मैन ऑफ द मैच था वो। और जो वो खेला है वो लड़का उस मैच में, पोपो एफसी का ये प्लेयर है, अगेन ग्रेट स्ट्राइकर के रोल में भी खेल सकता है, लेफ्ट विंगर भी खेल सकता है ये, और अगर आपको इसको फ्रंट थ्री में राइट विंग पे भी खिलाना चाहते हैं तो वो उधर भी खेल लेगा, ही इज़ वेरी वर्सेटाइल। तो एक यंग पोपो का अच्छा प्लेयर यहाँ पर आपको मिल गया है। यासिर अराफात पोपो का एक और प्लेयर है, और ये भी जो है ये लड़का जो है ये फॉरवर्ड लाइन में आपको नज़र आएगा। ही रिसेंटली स्कोर्ड अ गोल आई थिंक, ये जो अभी पोपो के कॉम्पिटिशन चल रहे थे और ये जो पेशावर लीग में खेल रहे थे उसमें इनके कुछ गोल्स हमें देखने को मिले थे। इन्होंने भी रिसेंटली जो पोपो की अकेडमी थी उससे ये ऊपर आए हैं और ये प्रो स्क्वाड में आ चुके हैं पोपो एफ सी के इन द प्रोफेशनल स्क्वाड। तो ये छः प्लेयर्स हैं जो कि पोपो के हैं, और बाकी जो हैं वो के आर एल के भी हैं, बबडा के भी हैं। ये जो प्लेयर्स हैं ये अब आपके प्लेयर्स हैं जो कि 26 प्लेयर्स हैं, और इसमें से मुझे ये लगता है कि 8 या 9 प्लेयर्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, बिकॉज यो टेस्ट होगा, और क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो 3 या 4 महीने से प्रॉपर मैचेस नहीं खेल रहे, प्रॉपर कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ना मैचेस हैं ना ट्रेनिंग है, तो वो यो टेस्ट में इनके फेल होने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। और ये मुझे एक आपके अपने ही लोकल कोच ने बताया, ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम माय सोर्स, बट इसमें से 8-9 प्लेयर्स सिर्फ फिटनेस की बुनियाद पे बाहर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो या तो 6-6 महीने से अपने गाँव में बैठे हुए हैं, या तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कंपेटिटिव डोमेस्टिक मैचेस खेल ही नहीं रहे मुल्क के अंदर। तो ये एक रीज़न है कि इनको बाहर निकाल के डायस्पोरा प्लेयर्स को लाया जा सकता है। और डायस्पोरा प्लेयर्स अब कौन से होंगे, मैं उस पर आने वाला हूँ। डायस्पोरा प्लेयर्स दोस्तों, ये बड़ा मज़े का टॉपिक अब होने वाला है। फजल जो है और आदिल नबी, फजल और आदिल नबी के लाइकली चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। कल मेरे ख्याल से अली हसन ने भी ट्वीट की थी footballpakistan.com पे कि इन दोनों के बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं, लाइकली चांसेस हैं। इन्होंने ही मुझे वैसे बताया था कि वैसे 21 डेज जो हैं वो मिनिमम लगते हैं किसी भी फीफा क्लियरेंस के अंदर, ये जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं इनको ही मेरे से बेहतर पता होती हैं, लेकिन 21 डेज लगते हैं। अगर एक लड़के को पासपोर्ट मिल जाता है पाकिस्तान का तो 21 डेज मिनिमम लग सकते हैं, स्पेशली अगर वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो, इंग्लैंड में, और अगर वो इंग्लैंड में खेल रहा है। नॉर्डिक रीजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप नॉर्वे में हो, अगर आप डेनमार्क में हो, उसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो नॉर्डिक रीजन्स में वो कंट्रीज आती हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो ये दो प्लेयर्स जो हैं ये आ सकते हैं। मोहम्मद फजल स्वीडन की जो, अगर आप लेवल ऑफ पिरामिड देखेंगे, लेवल ऑफ पिरामिड पे वो थर्ड टायर में खेलता है, यानी कि वो थर्ड डिवीजन में खेल रहा है, वैसे सेकंड डिवीजन उसको बोलते हैं लेकिन वो थर्ड डिवीजन में खेल रहा है। तो जो प्रीमियर लीग है, फिर उसके नीचे वाली लीग है, फिर उसके नीचे वाली लीग है, थर्ड टायर में इस वक्त मोहम्मद फजल खेल रहा है स्वीडन में, और स्वीडन से हम जानते हैं ज्लाटन इब्राहिमोविच निकला था, तो ही इज़ प्लेइंग इन अ यूरोपियन कंट्री, और वो एक लेफ्ट बैक है, वो जुनेद शाह वाली जगह पर खेल सकता है, जुनेद शाह वाली जगह पे अपने आप को सीमेंट कर सकता है। अगर उसको चांस मिलता है तो वो वहाँ पे बखूबी वो रोल निभा सकता है लेफ्ट बैक वाला। आदिल नबी की तारीफ़ में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उसकी बहुत तारीफ़ें कर चुका हूँ। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। अगर 4-2-3-1 में आप खेलोगे तो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वो खेलेगा, जो कि एक ज़माने में ओजिल का रोल होता था, या जो आजकल एक नंबर 8 हाइब्रिड वाला रोल है, नंबर 10 वाला ओडीगार्ड का रोल है फॉर आर्सेनल, उसमें आदिल नबी खेल सकता है। और अगर 4-4-2 में खेलते हो, ही विल प्ले एज अ फॉल्स 9, ही विल बी वन ऑफ द 2 स्ट्राइकर्स अहेड, जो कि वो बड़े खूबसूरती से वो रोल निभा सकता है। ठीक है, जो ये दो प्लेयर्स तो चलो हो गए, अब जो बाकी आपके, जो मैं समझता हूँ कि 8 प्लेयर्स अब रह गए हैं, 10 प्लेयर्स जो कि आ सकते हैं, और उसमें से 8 प्लेयर्स कौन से होंगे। एक है ओटिस खान, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ,
ठीक है, मुल्तान सुल्तान्स का भी एम्बेसडर है इस टाइम पे पीएसएल के अंदर। फिर दूसरा ईसा सुलेमान इज़ देयर, हारून हामिद इज़ देयर, जिसको लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये पाकिस्तान का जूड बेलिंगम है। देन देयर इज़ ऑब्वियसली अब्दुल्ला इकबाल है आपके पास, अब्दुल्ला इकबाल जो है वो ईसा सुलेमान के साथ खेलेगा, सो वी ऑल नो दैट एज़ वेल। फिर आपके पास रईस नबी आ जाता है, जो कि आदिल नबी का छोटा भाई भी है, और ही हैज़ स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल अगेंस्ट ताजिकिस्तान। हम सबको याद है पाकिस्तान ने टोटल 17 मैचेस में 3 गोल मारे और इन 3 गोलों में से 1 गोल रईस नबी का है। तो ये बंदा जो है ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। फिर इमरान कियानी है, जो कि नंबर 9 रोल में स्ट्राइकर के तौर पे खेल सकता है, एज अ राइट विंगर भी खेल सकता है अगर आप उसको यूज़ करना चाहो, वो राइट विंग पे भी खेल सकता है, उसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं लेफ्ट विंग पे, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है 4-4-2 में। सो अगेन इमरान कियानी इज़ एक्सट्रीमली वर्सेटाइल और इंग्लैंड में वो खेल रहा है इस मोमेंट इन टाइम पे। देन अब्दुल समद अरशद डेनमार्क में खेल रहा है सेकेंड टायर के अंदर, सो अब्दुल समद अरशद को भी कंसिडर किया जा सकता है इन सारे रोल्स के लिए। तो ये जो बंदे हैं ये सारे आ सकते हैं। फिर यूसुफ भट है आपके पास, यूसुफ भट आ सकता है, वो गोलकीपर आपका प्राइमरी होने वाला है। ये जो 4 गोलकीपर्स हैं इसमें से 1 गोलकीपर जो है वो ड्रॉप होगा, ये हम सब जानते हैं, 1 गोलकीपर जो है वो ड्रॉप होने वाला है, और 4 गोलकीपर्स में से आपके ये 3 गोलकीपर्स जो हैं वो जाएंगे और उसमें से एक यूसुफ भट होगा। तो ये आपके 9 से 10 प्लेयर्स हैं जो कि आ सकते हैं, मींस कि आपके जो लोकल जो प्लेयर्स हैं 9 से 10, वो जो हैं उनको आपको थोड़ा सा ये है कि फिटनेस की बेस पर मुझे लग रहा है कि आपने कुछ करवाया ही नहीं, ना आपकी टीम ने टाइम पे ट्रेनिंग कैंप करवाया है, ना आपकी टीम कोई फ्रेंडली खेल रही है। अब नेपाल जो है वो 15 मार्च को क्या खेलने वाली है, मलेशिया के साथ फ्रेंडली खेलने वाली है। 15 मार्च को नेपाल मलेशिया के साथ फ्रेंडली मैच खेलने वाली है, और पाकिस्तान क्या खेलने वाली है, बाबा जी का ढुल्लू। तो ये चीज़ है आपके पास जो आपने नॉन सीरियसनेस के मुजाहरे किए हैं, और आप जो अभी मिकाइल अब्दुल्ला के साथ कर रहे हैं कि आप बिल्कुल उस तरफ पुश नहीं कर रहे, वो भी एक ज्यादती है मेरे हिसाब से। तो ये 9 to 10 प्लेयर्स हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी डायस्पोरा प्लेयर का नाम जो है वो मैं लेना भूल गया हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एतजाज़ का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसकी फ़ीफा क्लियरेंस का कुछ पता नहीं है कि वो मार्च में आ सकेगा या नहीं, तो उसके ऊपर कोई अभी पेशरफ्त नहीं है, कोई प्रोसीजरल आगे काम नहीं बढ़ रहा। तो ये था, हाँ ये न्यूज़ ज़रूर मिली थी कि उसका पासपोर्ट के बाद उसका क्लियरेंस थोड़ा सा तेज़ हो गया है, लेकिन क्या वो इन टाइम जॉर्डन के लिए आ सकेगा या नहीं इसके ऊपर कोई मालूमात फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। दोस्तों मैं अभी जो है ना प्लेइंग 11 जो है वो नहीं बनाऊंगा पाकिस्तान की, क्योंकि अभी ऑब्वियसली डायस्पोरा प्लेयर्स ने आने हैं और हमें नहीं पता कि ये जो 26 प्लेयर्स हैं लोकल जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं इसमें से 8 या 9 कौन से बाहर होंगे, तो हमें इतनी कोई उस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। सो जैसे ही ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ इंडिया के ऊपर, और इंडिया ने काफ़ी भारी भरकम चेंजेस किए हैं। 2-3 नाम देख के मैं काफ़ी खुश भी हुआ, और 2-3 नाम जो हैं वो जब बाहर निकले तो मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ जो नाम है वो इंजरीज़ की वजह से भी हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले संदेश झिंगन जो हैं वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। पिछली बार अनवर अली जो थे वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर बैक्स हैं इंडिया के, प्रॉबेबली बेस्ट सेंटर बैक्स हैं इंडिया के, तो ये हम सब जानते हैं कि अनवर अली तो वापस आ चुके हैं, बट संदेश झिंगन जो हैं जिनका मैंने पॉडकास्ट भी देखा था रणबीर अलाबादिया के उस पे शो पे, तो दैट गाय वोंट बी अवेलेबल अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इंडिया ने खेलना है 21 मार्च को और 26 मार्च को। जो 26 मार्च वाला मैच है वो इंडिया में होगा और जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो अवे होगा। अभी मेरे ख्याल से शायद सऊदी अरेबिया में ये वाला मैच हो रहा है, सऊदी अरेबिया में करने वाले, तो ये वाला सीन है। विशाल केत की जो है वो सिलेक्शन हुई है, एंड मोहन बगान के लिए वो खेलते हैं। मैं खुद मोहन बगान को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ ISL के अंदर, एंड आई एम हैप्पी। और मेरी नज़र में मोहन बगान के विशाल केत को स्टार्ट करना चाहिए अहेड ऑफ गुरप्रीत सिंह सांधू। इसके ऊपर जो गुरप्रीत सिंह सांधू के फैंस हैं वो मुझे बहुत गालियाँ देंगे, लेकिन ही इज़ नॉट इन फॉर्म राइट नाउ, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि गुरप्रीत सिंह सांधू जो गुरप्रीत पाजी हैं वो फॉर्म में नहीं हैं। तो आई वुड रादर स्टार्ट विशाल केत इंस्टेड ऑफ GSS। अमरिंदर सेलेक्ट हुए हैं इसके अंदर, एंड ही इज़ अ गुड बॉल प्लेइंग गोलकीपर। पूर्वा जो मुंबई सिटी के प्लेयर हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो वो एक अच्छी सिलेक्शन है। बाकी सिलेक्शंस मुझे गोलकीपर के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, आई थिंक सिलेक्शंस ठीक हैं, बट अगर स्टार्टिंग 11 की बात करोगे तो विशाल केत कम्स अहेड फॉर मी।
फिर जो दो तीन जो इंडक्शंस इसमें हुई हैं, एक तो मैं जय गुप्ता का नाम लेना चाहता हूँ। जय गुप्ता के आने से मुझे खुशी हुई है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। सेंटर बैक खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग बैक खेल सकते हैं। स्पेनिश टीम के लिए पहले खेलते रहे, अभी मुझे उस टीम का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर वो सेंटर बैक खेलते थे। उसके बाद जब ये इधर FC गोवा में आए हैं, तो FC गोवा में लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग बैक खेल रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं, अगर हिंदी में बोलें तो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बंदा जो है ये खेल रहा था, एंड आई एम हैप्पी कि आकाश मिश्रा को, जो उनके प्राइमरी लेफ्ट बैक हैं, उनको अब कंपटीशन मिलेगा। जैसे रॉबर्टसन को हम कहते हैं कि यार लिवरपूल में कंपटीशन सिमिकस को देना चाहिए, उस तरह यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द इंडियन टीम। तो ये इंडिया टीम के लिए अच्छा है। अमे गणेश रानावादे जो हैं वो आ चुके हैं, एंड दैट गाय हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर उड़ीसा। राइट बैक, जो फुल बैक की पोजीशन है राइट बैक पे, वहाँ पे वो खेलते हैं। इस सीज़न उन्होंने राइट बैक पोजीशन से, हालांकि वो डिफेंडर हैं फुल बैक हैं, 5 असिस्ट किए हैं और 1 गोल भी स्कोर किया है। तो वो बंदा उड़ीसा के लिए इस वक्त कह लो कि आग मूत्र है, ठीक है, और दैट इज़ वाई ही शुड बी सिलेक्टेड फॉर इंडिया, एंड दिस इज़ अ ग्रेट सिलेक्शन बाय इगोर स्टिमिच। यहाँ पे इगोर स्टिमिच की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसको जो है सेलेक्ट किया जाएगा, अमे रानावादे को। इसके मैंने 4-5 मैचेस देखे हैं एंड ही हैज़ बीन रियली वेल। रोशन सिंह नोरम, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट प्लेयर हैं, कैन प्ले एट राइट बैक पोजीशन एज वेल, तो राइट बैक पे वो भी हमें नज़र आ रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर, इंडिया की इस स्क्वाड में। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है इगोर स्टिमिच से, कि पार्थिव गोगोई स्क्वाड में नहीं है, एंड कियान नसीरी, जो कि मोहन बगान में, ऑब्वियसली मेरा मोहन बगान की तरफ बायस्ड है, खेलते हैं, तो कियान नसीरी को भी आपने सेलेक्ट नहीं किया। आई डोंट नो के वाई दे वर नॉट सेलेक्टेड, एस्पेशली पार्थिव गोगोई, एस्पेशली दैट गाय, उसके पीछे मुझे रीज़न समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे मिडफील्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनिरुद्ध थापा है, वो फॉर्म में नहीं है, अनिरुद्ध थापा इज़ नॉट इन फॉर्म, ये सब जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ नाम की वजह से उनको सेलेक्ट कर लिया गया, और क्योंकि वो एक ट्रस्टेड बंदे हैं इगोर स्टिमिच के, तो वो जो ट्रस्टेड बंदे वाला फैक्टर है वो नज़र आ रहा है। बट देन अगेन, इगोर स्टिमिच ने उदांता सिंह को सेलेक्ट नहीं किया, वो भी बड़े ट्रस्टेड बंदे थे इगोर स्टिमिच के, उदांता सिंह को सेलेक्ट नहीं किया गया, साना सिंह को सेलेक्ट नहीं किया गया, रोहित कुमार जो कि काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको भी सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ही हैज़ एक्स्ड आउट सम इंडियन प्लेयर्स, जो कि एक ज़माने में उसके बहुत ही ट्रस्टेड प्लेयर्स होते थे। तो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इगोर स्टिमिच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हटते जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये जो मूव्स इन्होंने अब बनाई हैं ये होती हैं या नहीं होती। इज़ाक रालते की मैं बात करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड लाइन में मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड इज़ाक रालते इज़ प्लेइंग रियली वेल राइट नाउ फॉर उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ प्लेयर्स जो हैं, जैसे इज़ाक रालते हैं, जैसे पुईता है, पुईता इज़ प्लेइंग वेरी वेल, परफॉर्म कर रहा है, एंड आउट ऑफ द स्किन जाके वो परफॉर्म कर रहा है। फिर मैंने अमेश रानावादे की बात की, ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल। सो ये तीनों उड़ीसा के प्लेयर्स हैं और ये तीनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अमरिंदर पाजी की भी हमने बात की है, वो भी उड़ीसा के लिए खेलते हैं। तो ये चारों सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 5 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। तो रालते भी जो है 5 गोल्स और 4 असिस्ट्स कर चुका है इस सीज़न ISL के अंदर फॉर उड़ीसा। सो तकरीबन देख लो आप उसकी गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और 24-25 साल का ये लौंडा है, और इसकी कॉल अप फाइनली आ गई है। काफ़ी टाइम से ही वॉज नॉकिंग ऑन द डोर्स फॉर इंडिया, एंड नाउ दिस गाय इज़ इन द स्क्वाड एज वेल। सो इसके लिए भी मुझे खुशी है, लेकिन दुख मुझे पार्थिव गोगोई का ज़रूर है। मे भी शायद उसको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया होगा कि यार शायद उसकी प्रेसिंग उस लेवल की नहीं है, जैसे इगोर स्टिमिच चाहता है कि ऑफ द बॉल इस तरह की प्रेसिंग होनी चाहिए, इस लेवल की इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो शायद वो नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ पर एतराज़ है, दैट बॉय इज़ ब्रिलियंट विद द बॉल। बॉल जब उसके पास आती है तो वो बंदा कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, ही कैन स्कोर गोल्स आउट ऑफ नथिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ। मे बी इगोर स्टिमिच डज नॉट रेट हिम हाईली, एंड आई एम नॉट इगोर स्टिमिच। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो मुझे एक सवालिया निशान मेरा ज़रूर है कि यार वो बंदा होना चाहिए था यहाँ पे, ऑल्सो विद कियान नसीरी, क्योंकि लिस्टन कोलासो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि लेटली 4-5 गेम्स में तो परफॉर्म कर रहा है, बट थ्रू आउट द सीज़न उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि वो मोहन बगान के लिए खेलता है, उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है जिसके ऊपर मैं कह सकूं कि यार उसको इंडियन टीम में सेलेक्ट होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पे ये बंदा जो था पार्थिव गोगोई या इवन कियान नसीरी, इनको लाजमी जो है वो होना चाहिए था इन दिस रिस्पेक्ट। तो ये मुझे लगता है
ऑब्वियसली जो प्लेइंग 11 है उस इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी 35 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, इसमें से काफ़ी प्लेयर्स अभी निकाले भी जाएंगे और वो जो प्लेयर्स हैं वो 25 मैन स्क्वाड पे या 23 मैन स्क्वाड पे कट ऑफ हो जाएंगे। तो जब वो प्लेयर्स कट ऑफ होंगे तभी प्लेइंग 11 के ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मैं कोई प्लेइंग 11 में बंदा डाल दूँ और वो 35 मैन स्क्वाड से बाहर निकल जाए। तो दैट इज़ वाई मैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मुझे ये लगता है कि ईशान पंडिटा के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए कि ईशान पंडिटा कैसे सेलेक्ट हो गए। पहले तो वो इंजर रहे शुरू में सीज़न में, हमने देखा जो ISL का सीज़न था, उसके बाद ही इज़ नॉट इवन मेकिंग द स्टार्टिंग 11 ऑफ केराला ब्लास्टर्स राइट नाउ। सो अगर वो केराला ब्लास्टर्स में स्टार्टिंग 11 में नहीं आ पा रहे तो इगोर स्टिमिच ने उनको किस बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया है कि यार वो ही शुड प्ले फॉर इंडिया या ही शुड बी इन द स्क्वाड। इससे ज़्यादा बेटर प्लेयर्स थे जो जिनके मैंने नाम लिए, जो कि परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जो कि आउट एंड आउट 90 मिनट्स हर वीकेंड परफॉर्म करते हैं, आपको उनको सेलेक्ट करना चाहिए था। बट उस तरफ जो नज़र है मेरे ख्याल से इगोर स्टिमिच ने नहीं दौड़ाई है और वो जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से। मनवीर सिंह सेलेक्ट हुए हैं, मनवीर सिंह जो हैं वो काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं वो इस वक्त अपनी टीम के लिए। एंड जो पिछला मैच था कुवैत के साथ, उस वाले मैच में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच हुआ था उसमें मानवीर सिंह ने विनर भी मारा था। तो इस बंदे की तो सिलेक्शन होनी भी चाहिए थी बिकॉज ही इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 7, 8, 9 मैचेस। मैं देख रहा हूँ जब से उनके वो मैनेजर चेंज हुए हैं मोहन बगान के, जो जुआन फेरांडो, तब से मानवीर सिंह इज़ ऑन फायर। तो डेफिनेटली इसका तो बनता ही बनता था। विक्रम प्रताप सिंह के लिए मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह ने की जो रील आई थी उनके अभी फादर का रिसेंटली उनकी जो है वो डेथ हुई है, सो उनकी रील आई थी कि यार मैं जब भी गोल करता था तो मेरे फादर सबसे ज़्यादा जो है वो घर पे सेलिब्रेट कर रहे होते थे, मेरे हर गोल के बाद हर मैच के बाद कॉल करते थे, अब मैं जब घर वापस जाऊँगा तो ही वॉन्ट बी देयर। सो इट वॉज़ अ वेरी इमोशनल रील। एंड विक्रम प्रताप सिंह, जब से मैंने वो अल हिलाल वाला मैच देखा है मुंबई सिटी का, तब से मैं देख रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो दैट गाय डिजर्व्स अ प्लेस एज वेल। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी इंडक्शन इंक्लूजन होनी चाहिए थी इंडिया की टीम में और किस प्लेयर को इंडिया की टीम में नहीं होना चाहिए था? अभी भी अगेन आई एम वेरी हैप्पी फॉर लाल चुंगनुंगा, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर खेले हुए हैं, ही हैज़ ऑल्सो बीन सिलेक्टेड फॉर द स्क्वाड अगेंस्ट अफगानिस्तान। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी जो हैं वो 8-9 डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं वो बुला लिए हैं, 6 तो वही हैं जिनकी लड़ाई चल रही थी फ़ुटबॉल एसोसिएशन से, अफगानिस्तान की फ़ुटबॉल एसोसिएशन से। बट देखते हैं कि 21 और 26 तारीख को क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी बांग्लादेश और नेपाल के ऊपर होगी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हस्ताला विस्ता।